नमस्कार, मैं हूं अभिजीत राय, बिजनेस कंसल्टेंट, REC, IBC एंड ब्रांड एम्बेसडर बड़ा business.com। आप सभी को स्वागत करता हूं दुनिया का सबसे पहला IBC रियलिटी शो, जिसमें आप जानेंगे देश भर के चुनिंदा ऐसे IBC स्टार्टअप को जो चुना गए, जो पूछेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्री से सवाल। तो चलिए आज फिर मिलते हैं ऐसे दो चुनिंदा स्टार्टअप को जिसको चुना गया है बड़ा बिजनेस की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से सवाल पूछने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। तो मिलते हैं हमारे अगले दो ऐसे स्टार्टअप को जो इस एपिसोड में आपको आपका सवाल को लेके आ रहे हैं। हो सकता है आपका भी ये सवाल है, नीचे लिखिएगा कि आपके पास भी ये सवाल था या नहीं था, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल है तो नीचे टाइप कीजिए। तो मिलते हैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु एंड बड़ा बिजनेस के CEO और स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला, और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीशंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है, और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO बड़ा business.com। आज एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूं। ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाउंडर या चीफ क्लैरिटी ऑफिसर होने के नाते जब बड़ा बिजनेस है, काफी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता चला गया। कई बार लोगों ने हमसे प्रश्न किए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न किए, फेसबुक में मैंने कई बार वो प्रश्न देखे। फेसबुक पे आज हमारे 1 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं, और लोग कई बार प्रश्न में बोलते हैं कि क्या है IBC डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लॉन्च किया, कोई स्कीम है, स्कैंडल है, ये खुद पैसा कमा रहे हैं, अरे विवेक बिंद्रा का खुद का बिजनेस बड़ा होता चला जा रहा है, ये IBC का चक्कर क्या है, क्यों बनना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं ये पैसा लेके भाग जाएंगे, ये कोई पिरामिड है, अरे कोई MLM ही है अंदर से और कुछ नहीं है। तो कई सारे प्रश्न थे हमारे पास में। आने वाले हर सवाल का आज जवाब दूंगा जो आप मेरे देश भर में हमारी सारी फ्रेंचाइजीज, मास्टर फ्रेंचाइजी, हमारे IBC रीजनल मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, तरह तरह के हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। सो दिल से दिल की बात, बहुत सारा डेटा लेकर अपने साथ आज करेंगे आपसे बात। आप अगला प्रश्न पूछिए, धन्यवाद। तो हम मिल चुके हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से अभी ऐसे दो चुनिंदा स्टार्टअप को जिसको चुना गया है बड़ा बिजनेस की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से सवाल पूछने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। तो मिलते हैं हमारे अगले दो ऐसे स्टार्टअप को जो इस एपिसोड में आपको आपका सवाल को लेके आ रहे हैं। हो सकता है आपका भी ये सवाल है, नीचे लिखिएगा कि आपके पास भी ये सवाल था या नहीं था, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल है तो नीचे टाइप कीजिए। आप अगला प्रश्न पूछिए। सर, मैं नवरत्न IBC राहुल शर्मा, जयपुर राजस्थान से। मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि IBC बनने के बाद मुझे और कितना पैसा लगाना पड़ेगा और मैं कितने दिनों में पैसा कमाना शुरू कर सकता हूं। धन्यवाद। इसका दूसरा हिस्से का मैं उत्तर ऑलरेडी दे चुका हूं, पर एक ग्लिम्स में मैं पहले हिस्से का उत्तर दे देता हूं। आपने IBC बनने के बाद और कितना पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं, IBC एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको और पैसा नहीं लगाना है। ये IBC की बेसिकली फीस है ही नहीं, ये तो फ्री का मॉडल है। ये हमने ऐसा मॉडल लॉन्च किया कि आपने जो पैसा दिया वो हमको वापस कर देते हैं। आप ये रिकवरेबल है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनिए बात को ध्यान से, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है केवल, ये रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट भी है। एक होता है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एक रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट तो है ही, रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट भी है। और दूसरी बात क्या है कि एक तो वैसे भी जो हम आपको कोर्सेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हमारे हो चुके हैं। हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज अपने लॉन्च किए थे तो वो 3 कोर्सेज के साथ आए थे हम बाज़ार में। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। आपको पहले ये समझना है कि आप किसी भी अगर Tier 1 MBA कॉलेज में जाते हो तो 30 लाख रुपये की फ़ीस है, और यहाँ आप IBC 60,000 रुपये में बन पाते हो, यानी कि 1/50th, यानी कि कहीं पर भी आप MBA करने जा रहे हो 50 गुना ज़्यादा महंगी पड़ती है आपको। और किसी भी Tier 1 MBA कॉलेज से ज़्यादा सिखाने का मैं दम रखता हूँ आज, वो गारंटी मैं लेता हूँ आपको। किसी भी Tier 1 MBA कॉलेज से आप आ जाइए, बारिंग 3-4 IIMs, किसी अच्छे Tier 1 MBA कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को ले आइएगा, और हमारा IBC जो पूरी तरह ट्रेन हो चुका है, जिसने हमारे 100 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, उसको खड़ा कर दीजिएगा, हम किसी को बीट कर देंगे, दम रखते हैं वो। मुझे कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं आपको ये बताने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, मैं ट्रेन करूँगा, और आप किसी भी Number 1 कॉलेज का, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अच्छा उठा लीजिए इंडिया का, और हमारे 2 बच्चों को साथ में खड़ा कर दीजिए, हमारा बच्चा आसानी से बीट कर देगा। 60,000 रुपया जिसको हम वापस कर देते हैं, और वो 30 लाख रुपया जिंदगी में कभी वापस नहीं आता है। नौकरी भी कितने की लगेगी मुझे पता नहीं है उसके बाद में। मेन मुद्दा ये है कि एक लो कॉस्ट स्टार्टअप है, जिंदगी में अगर कोई स्टार्टअप करना हो तो यहाँ से शुरू करिए। IBC जरूर बनिए, हर घर से आप IBC बनाइए, ताकि आदमी स्टार्टअप शुरू करने से पहले 1 साल हमसे ट्रेनिंग ले ले। सर, मेरे प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि बड़ा बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इन प्रोडक्ट्स को कितने लोग कंज्यूम करते हैं, बाई करते हैं, खरीदना चाहते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट की मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है। पहला चीज, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी एक ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज के अंदर से निकल के आती है। मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को अगर आपको देखना हो तो आपको इंडिकेटर्स चेक करने चाहिए। एक है रेफरल रेट, आज तक हमने टेलीविजन पे ऐड नहीं करी, अगर किया भी है तो टेलीविजन ने खुद ही हमारे को प्रमोट किया है, न्यूज़ चैनल्स ने हमें प्रमोट किया है, हमने जाकर के कभी मीडिया बाय नहीं किया वहाँ पे। सो पहला चीज़, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, ये रेफरल रेट से हुई है। दूसरा होता है वीडियो कंजम्पशन रेट, हमारे यहाँ वीडियोज़ कितने कंज्यूम किए जाते हैं, सारे कोर्सेज पे वीडियो कंजम्पशन रेट टोटल पूरे देश में सारी एडटेक कंपनीज में हम हमेशा टॉप 5% कैटेगरीज में रहे हैं। अगर 100 एडटेक कंपनी है तो हम टॉप 5 में हमेशा रहे हैं, 100 में से टॉप 5 बोल रहा हूँ मैं आपको। और एक्चुअली टॉप 5 मैंने आपको बहुत ब्रॉड नंबर दिया है, हम हमेशा top 3% top 2% में रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कंजम्पशन रेट हाईएस्ट रहा है। इसके बाद आता है तीसरा, एवरेज वीडियो हिट रेट, जितने वीडियो डालते हो नंबर ऑफ व्यूज से उसको डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज वीडियो हिट रेट मिल जाता है। हाँ, इसके अलावा आता है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कोई भी वीडियो को अगर 50% से ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है तो वो वीडियो को सुपर हिट माना जाता है, एवरेज 50% से ज़्यादा, क्योंकि कई लोग वीडियो शुरू करके बंद कर देते हैं बीच में तो एवरेज कम हो जाता है। ये सारे KPI के कारण पता चलता है। तो हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री हम लोग बाय फार Number 1 है। तो एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा क्योंकि हम वॉइस ऑफ कस्टमर, जिसको बोलते हैं VOC, यानी कि कस्टमर सिग्नल देता है, हम उसको कैप्चर करते हैं और 1 महीने के अंदर नया कोर्स लेकर के आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में। तो एक 0 इन्वेंट्री बिजनेस है जिसमें कोई एडिशनल एक्सपेंस हमारे चैनल का नहीं होता है, क्योंकि वो सब इन्वेंट्री हमने बिल्ड किया है, इन्वेंट्री बिल्ड करने की कॉस्ट हमारी अपनी है, ये हमारे IBC की नहीं है, चैनल पार्टनर्स की नहीं है, मास्टर माइक्रो फ्रेंचाइजीज की नहीं होती है। सो इसीलिए मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट कर करके ही हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। मैं हमेशा मार्केट में सबसे आगे रहना चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कॉम्पिटिशन कभी मुझे देख ही ना पाए, क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिशन, जो मैं कल करता था ना वो मेरा कंपटीशन आज करता है, जो मैं आज कर रहा हूँ ना वो कल करेंगे, और जो मैं कल करने वाला हूँ उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं है। तो मैं अपने कंपटीशन से हमेशा कई कदम आगे चलता हूँ, और इसीलिए हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर महीने कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट्स ला करके लॉन्च करूँ जिससे मार्केट में हमेशा हंगामा बना रहे। धन्यवाद। तो आपने देखे होंगे कि उनका जो सवाल था उस सवाल का जवाब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कितना बहुत अच्छी तरीके से दिया है। आपके पास भी है कुछ ऐसे सवाल, आप नीचे लिखिए, नेक्स्ट एपिसोड में मिलने तक आपके पास हो सकता है आपका कुछ ऐसा सवाल हो, उस सवाल को भी लिया जाए इस हमारे चुनिंदा स्टार्टअप के जरिए से। अगर आपके पास भी इससे अलावा कुछ सवाल है तो नीचे लिखते जाइए, टाइप करते जाइए, और इस शो का वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास शेयर कीजिए। जिसको जानना है, जो कोई अनोखा चीज देखना चाहता है, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं कल
पूरा सिम इसी टाइम में इसी जगह पे इसी चैनल पे दूसरा एपिसोड को लेके पर डे यहां से लेके पूरा एक हफ्ता तक ये एपिसोड चलने वाला है, जिस एपिसोड में शाम 8:30 से शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बहुत सारे दोस्त को। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको आप दबा दीजिए ताकि इस चैनल का जो अगला एपिसोड है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहला पहुंच जाए। और बहुत सारी दोस्त, बहुत सारी रिलेशन जिसको भी आप जानते हो सकता है आपके पास भी ये सवाल होगा, हो सकता है उस दोस्त के पास भी ये सवाल होगा, उनको भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल शाम 8:30 सिर्फ इसी टाइम पे इसी जगह पे, और एक अनोखा सवाल और जवाब को लेके आते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। देखते हैं कि अगला दो ऐसे स्टार्टअप कैसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बिंद्रा साहब देने वाले। नीचे कमेंट कीजिएगा इस शो आपको कैसे लग रहा है, आपके पास भी कुछ सवाल है अगर आप अपना सवाल नीचे टाइप कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हो सकता है आपका सवाल को लेके नेक्स्ट एपिसोड में हम आने वाले हैं आपके साथ। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी को इस एपिसोड को देखने के लिए, इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।